निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं। ये सात चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है। उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में। उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है। उनको नहीं पता कि देश दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही। मैं मानता हूं उनको नहीं पता। देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश ही नहीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रांस फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 इज ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। ये उनके शब्द थे। अब हम आज उनसे सात मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नहीं, नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे। उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। 2022 के और सारे सरकारी आंकड़े, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं है। 2022 के आर्थिक इश्यूज के सात बिंदु आपके सामने रखूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि ये वंडरफुल था 2022 या ड्रेडफुल था। वाज 2022 ए वंडरफुल ईयर फॉर इंडियन इकोनॉमी और ए ड्रेडफुल ईयर फॉर द इंडियन इकोनॉमी? ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की $3.2 ट्रिलियन। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता, जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है, चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। तो आप जब आपकी इच्छा होती जब तो आप एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर कर लेते हो, जब आपकी इच्छा होती जब पर कैपिटा कर लेते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर ही करने थे तो भारत में कोरोना के कितना संक्रमण फैला उस दिन तो आपने ये कंपेयर किया कि कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ, भारत के कितने प्रतिशत लोग कोरोना के कारण मृत्यु हुई। जब अर्थव्यवस्थाओं का कंपेरिजन करते हैं तो मैं दो आंकड़े आपके सामने बड़े सरल शब्दों में कर रखता हूं। एक परिवार है जिसमें दो सदस्य है और ₹1,00,000 कमाता है तो प्रति व्यक्ति कितने कमाए? ₹50,000। दूसरा परिवार है, ₹1,00,000 टोटल इनकम होती है परिवार की और 20 सदस्य है, प्रति व्यक्ति कितना इनकम हुई? ₹5,000। मोदी जी और मोदी जी के जो 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 संक्रमण से संक्रमित लोग हैं वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न, वी आर एट 144th पोजीशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी, ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल? इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे जो सबसे बड़ी जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। और हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, वी आर एट 142nd पोजीशन आउट ऑफ 197 इन पर कैपिटा इनकम एंड प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग इट इज ए वंडरफुल ईयर। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक आती 107वीं और इसी वर्ष की 121 देशों में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है, वंडरफुल ईयर है। सिर्फ एशिया में अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमारे से पीछे है, बाकी भले पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उनकी हंगर इंडेक्स की रैंकिंग हमसे बेटर है। हमारी रैंक है 107, 121 कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसकी रैंक है 84, नेपाल को देखें तो उसकी रैंक है 81, श्रीलंका को देखें तो उसकी रैंक है 64, पाकिस्तान को देखें तो उसकी रैंक है 99। प्रधानमंत्री जी वंडरफुल ईयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा, और दिस इज वेरी रिलेवेंट फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट का अर्थ कि कितने लोग, कितने बच्चे अपने अपने उम्र और अपनी हाइट के हिसाब से कुपोषित है, कम वेट के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। एशिया में अफगानिस्तान के अलावा जितने भी देश है उससे हमारी हंगर इंडेक्स में रैंक कमजोर है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वंडरफुल ईयर है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, एशिया के अंदर, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, एशिया का जो बास्केट है, एशिया के बास्केट के अंतर हिंदुस्तान का रुपया 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशियन बास्केट वाज इंडियन रुपी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक साल में 2022 में रुपये का डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा हुआ। एक साल में रुपये की कीमत 10% से ज्यादा कम हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर, दिस इज वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। पॉइंट नंबर तीन। पॉइंट नंबर चार, प्रधानमंत्री जी एक पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, पढ़िएगा। जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का, जब मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हुआ था उस समय जीडीपी का क्या फोरकास्ट किया था और आज क्या फोरकास्ट किया, क्या रिवाइज किया, मैं उसका एक टेबल लेके आया हूं, आपके सामने वो टेबल रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। मोदी जी कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है।